ओबीसी कमीशन को संविधान दर्जा मिले, कौन इसका विरोध करना चाहिए? कोई कारण था? इतने सालों से मांग थी, आपकी कोई मजबूरियां होगी, नहीं लाए। इस सदन में हमने इसको इस कमेटी में डालो, उस कमेटी में डालो, लटका पड़ा है। क्या हम इस काम को नहीं कर सकते? तीन तलाक, बैठिए प्लीज। ये तरीका वो आपको अमित भाई ने जवाब दे दिया। ये आपका खुला विरोध करने की जब हिम्मत नहीं होती है, जनता जनार्दन को फेस करने की ताकत नहीं होती है। आज जो ओबीसी समाज के अंदर जो एस्पिरेशन जगे हैं, आज जो ओबीसी समाज जागरूक हुआ है, ओबीसी अपने हकों के लिए मैदान में आया है, और आपकी राजनीति खुले आम बात बोलने की हिम्मत नहीं करती है, इसलिए बहानेबाजी करके कर रहे हो। लेकिन इस देश का ओबीसी समाज देश को देने वालों में से है। वो अगर अपना हक मांगता है तो मैं आग्रह करूंगा कि राजनीति छोड़ करके और नई नई चीजें जोड़ने के नाम पर रोकने का प्रयास करने के बजाय इसको पारित करें। तीन तलाक, अगर आपको लगता है कि तीन तलाक के विषय पर आप जिस प्रकार का कानून चाहते हैं, किसने रोका था आपको? 30 साल पहले मामला आपके हाथ में आया था, आपको जैसा चाहिए बनाना था, करना तो था, लेकिन आपकी राजनीति, आप ही के एक मंत्री का भाषण था हाउस में, तीन तलाक क्यों जाना चाहिए? लेकिन जब चारों तरफ से आवाज उठी, राजनीति आई, वोट बैंक खतरे में पड़ गया और अचानक से उस मंत्री को भी जाना पड़ा और उस मिशन को भी जाना पड़ा। और इसलिए और जो कारण दिए जा रहे हैं, हिंदुस्तान के हर क्रिमिनल कानून के अंदर जहां सजा है, जो लॉजिक दे रहे हैं लागू हो सकता है कि भाई उसने किसी की हत्या की, घर का इकलौता बेटा है, 30 साल की उम्र है, बूढ़े माँ बाप है, अब उसको जेल जाने का कानून क्यों बनाया? बूढ़े माँ बाप क्या खाएंगे? हिंदू दो शादी करें वो जेल चला जाए, उसके लिए सजा हो, तब आपको विचार नहीं आया कि उसके परिवार के लोग क्या खाएंगे? है सजा? और इसलिए मैं नहीं मानता हूं, कोई भी इसको अध्ययन करेगा तो उसको आश्चर्य होगा कि आप किस बात की बात कर रहे हो।